अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ और ये भी रमज़ान स्पेशल है और ये बहुत झटपट तैयार हो जाती है। ये भी एक पुलाव की रेसिपी है लेकिन ये मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। ये मटन पुलाव है और ये बहुत मज़े की और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको अपनी रमज़ान की दावत में भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी होती है ये और बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने दो प्याज ले लिए हैं, ठीक है, एक बड़ा है थोड़ा और एक दरमियाने मतलब साइज़ का है, ठीक है। इसमें टमाटर नहीं डालेंगी मैं, इसमें मैं दही डालूंगी। दो चमचे आप डाल सकते हैं दही यहाँ, ठीक है। यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं, ठीक है, ये आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने मटन ऑलरेडी बॉईल कर लिया था लहसुन डाल के और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी पका लिया, यानी गला लिया है, बॉईल कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसमें हरी मिर्च और कोरिएंडर लीव्स भी डालेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मेरे पास जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे अदरक है, ठीक है। लहसुन चूँकि मैंने ऑलरेडी उसमें डाल दिया था अपने गोश्त में, तो यहाँ पे मैं अदरक मैंने भूनते वक्त डालूँगी। और यहाँ पे मेरे पास ड्राई मसाले हैं जैसे कि दालचीनी, थोड़ी सी मैंने दालचीनी ले ली है, लौंग ले ली हैं, काली मिर्च गोल वाली ले ली है, दो इलायची छोटी और दो इलायची बड़ी ले ली है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है और 3-4-5 आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट सॉरी ब्लैक पेपर ले लिया है। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला जो है ये मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कोरिएंडर पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ठीक है। और मैं सबसे पहले अपने प्याज़ों को काट के ब्राउन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसमें दही ऐड करूँगी और अपने सारे ड्राई मसाले ऐड करके, हरी मिर्च ऐड करके मैं उसको अच्छी तरह से और फ्राई कर लूँगी। फिर मैं अपना गोश्त डालूँगी उसमें। मैंने ड्राई मसाले डाल दिए हैं सारे और इसमें मैंने ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने 2 टेबल स्पून डाला है ऑलिव ऑयल का। मैंने इसमें अपना गोश्त और हरी मिर्च शामिल कर दी है। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार होती है, हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे आपको और ये तैयार हो जाएगी, ठीक है। 15 मिनट्स में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। और रमज़ान में जो कि आपको पता है कि बहुत कम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा सारे काम होते हैं, तो आप इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसको दावत के लिए बनाएंगे, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और बहुत मज़े का पुलाव बनता है ये। और आप बहुत आसानी से मतलब इजीली बना सकते हैं और जल्दी जल्दी से बना सकते हैं मतलब, और ये बहुत मज़े का पुलाव होता है। मैंने इसमें यखनी डाल दी है, मैंने इसमें तकरीबन यखनी चूँकि मेरे पास 3 कप बन रहे थे तो मैंने पूरे 3 कप ही इसमें यखनी डाल दी है। आप चाहें तो अगर कम यखनी हो तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 गिलास जो है वो फुल यखनी के थे क्योंकि मेरे पास इस वक्त तकरीबन 1/2 किलो से थोड़े ज़्यादा होंगे चावल, तो इसलिए भी मैंने 3 कप मेरे लिए काफ़ी था पानी, तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। और मैंने सॉल्ट इसमें चूँकि ऑलरेडी मैंने गोश्त में डाला हुआ था तो मैंने इसमें 1 चम्मच और डाली है सॉल्ट की, लेकिन आप टेस्ट करके और ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट का कोई मसला नहीं होता। बाद में भी आप टेस्ट करके उसमें डाल सकते हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। अब मैं इसमें चावल जो हैं वो ऐड करने लगी हूँ और साथ में धनिया। अब मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं और कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसका पानी ड्राई करूँगी और उसके बाद इसको दम लगाऊँगी। मैंने इसको दम लगाने लगी हूँ 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट, हमारा पुलाव यखनी पुलाव रेडी है और ये यमी सा यखनी पुलाव क्या आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार
यखनी पुलाव हमारा रेडी है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये हमारा बेस्ट यखनी पुलाव जो है ये तैयार है, डिलीशियस यखनी पुलाव। आप इसको घर पे बनाएं इफ्तारी के लिए, दावतों में ये बहुत मज़े का होता है और ये बहुत यमी होता है और ये बहुत झटपट तैयार होने वाला पुलाव है, ठीक है। और ये बिल्कुल मतलब देखें, मुझे 15 मिनट्स लगे हैं सिर्फ। और लेकिन ये कि गोश्त आप पहले से अगर गला लें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो गोश्त लेता है और फिर अच्छे से आप मसाले में भून सकते हैं और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है और ये आपका बहुत ही डिलीशियस यखनी पुलाव रेडी है। आप इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आसान लग रही हैं, हेल्थी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें कि आप लोग कौन सी रेसिपी एक हेल्थी वे में देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए बनाऊंगी वो, ठीक है। और जैसे कि अभी रमज़ान आने ही वाला है तो मैं कुछ रेसिपीज़ रमज़ान में लेके आऊँगी जो आप अफ्तारी में और सहरी में ले सकते हैं और बहुत आसान होंगी और बहुत ही मज़े की होंगी। तो इसी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़ गाइस, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू।